मुझे सुभान का रिश्ता मंजूर, सुभान से शादी करने के लिए तैयार। पता नहीं अब भी मन में खटक हो रही है, अन्नत अचानक से इस रिश्ते के लिए राजी कैसे हो गई? वो इतना बड़ा फैसला अकेले ले ही नहीं सकती। अगर उसके मन में 1% भी हाँ होती तो वो मुझसे डिस्कस जरूर करती। उसने बिना बात किए सबके सामने जुबान से रिश्ता मंजूर कर लिया। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसके दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। एक बात याद रखना, दोबारा मेरे बेटे के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं लगता मैं मानेंगी। अम्मी को मेरी खुशियां दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैंने कभी कोई जिद नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा। अम्मी को मेरी ये छोटी सी विश पूरी कर देनी चाहिए, पर अम्मी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि मन्नत ने जो किया है वो गलत किया है। वो उस रात इस घर से अकेले नहीं गई थी, इस घर की इज्जत को अपने साथ ले गई थी। लेकिन मेरी इबादत ने इस घर की इज्जत को बचाया है। और मन्नत ने कोई इतना बड़ा गुनाह भी नहीं कर दिया जिसे हम माफ ना कर सकें और उस पर सारी जिंदगी के लिए दाग लग जाए। उससे इंसान को पहचानने में गलती हुई है, लेकिन उसकी उम्र में बच्चों से अक्सर ऐसा हो जाता है। आज उसने सुभान का रिश्ता मंजूर किया है तो पूरे दिल से किया है। वो मेरी बेटी है, उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। और वो कोई खुले छत की चिड़िया नहीं जो अपना ठिकाना बदलती रहती है। तुम भी इस रिश्ते को कबूल कर लो ना। तुमने कहा था ना कि सुभान और मन्नत के बीच का रिश्ता हमारे रिश्तों की कड़वाहट को दूर कर देगा, तो चलो आज इस रिश्ते को कबूल करो और हमारे रिश्ते के मैल को मिटा दो। Sorry, are you okay? I'm fine. मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम किन ख्यालों में गुम हो? अब तो मन्नत ने भी शादी के लिए हाँ कह दिया है, फिर क्या सोच रहे? गोपी जान के बारे में सोच रहे हो ना? मत सोचो, वो मान जाएंगे। अब तुमने कह दिया तो मान ही जाएंगे। ऐसे कमाल की बात है ना, मैं किसी भी टेंशन में होता हूँ, किसी परेशानी में होता हूँ, तुम अचानक से आ जाती हो, सारी टेंशन गायब, सारी परेशानी गायब। You know what? Same pinch. जब भी तुम सामने आते हो, सारी परेशानी गायब हो जाती और हालात से लड़ने की ताकत मिलती है। Well, हम हमेशा मेरी परेशानियों के बारे में बात करते हैं। आज तुम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है?